हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में 12 के एग्ज़ाम जो कल होने वाले हैं इंग्लिश के, उसके सेट को देखेंगे, डी को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कल के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस सेट से कल जो है कम से कम 20 क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। यह जो क्वेश्चन है 2019 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। तो कल जो है इस सेट से अगर आप इस सेट को लगाते हैं तो कल जो है आपको 10 नंबर तो आना ही तय है, और साथ ही साथ जो है आपका रिविज़न भी हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सीता डैश बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें जो है आपको वेस्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, विल कम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको जो है नीचे दिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, कॉमिट का जो है आपको स्पेलिंग सही चुनना है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, COMITEE, कॉमिट का जो है सही आंसर है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से जो है आपको चूज द करेक्ट सेंटेंस सुनना है कि कौन सा जो सेंटेंस दिया है वो सही है। तो इसमें जो है आई विश आई वेयर यंग अगेन, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, आइदर ऑफ द डैश एक्सेप्टेबल चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो आइदर ऑफ द टू इज यहाँ आइदर ऑफ जहाँ दिया रहे वहाँ पर हमेशा सिमिलर लगता है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, इज लगेगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, द हाउस वॉज पेंटेड बाई टॉम चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। जो यह जो दिया हुआ है इसका एक्टिव वॉइस सुनना है, तो इसका जो एक्टिव वॉइस होगा वह होगा टॉम इज पेंटिंग द हाउस। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डैश डाई द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट। तो यहाँ पर जो है दो व्यक्ति की बात करा जा रहा है, एक स्कॉलर है एक पोएट, तो यहाँ पर हमेशा प्लुरल लगेगा। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, हैव होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, द मैन वाज डैश बाय ए डॉग। तो यहाँ जो है द मैन वाज बीटेन, यहाँ भर आपको जो है मीनिंगफुल एक्सप्रेशन डालना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, बीटेन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, पटना इज सुटेबल डैश द बैंक ऑफ गंगा चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ आपको प्रीपोजिशन लगाना है, तो पटना जो है गंगा किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ जो होगा एट लगेगा। किसी भी स्थिति में जब किसी गंगा किनारे कोई शहर बसा होता है या कोई नदी किनारे बसा होता है तो वहाँ पर हमेशा एट होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है, ड्राइवर्स डैश ड्राइवर ड्राइवर डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। यहाँ पर जो है आपको एक्सुलरी वर्ब को चूज करना है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, मस्ट नॉट, ड्राइवर्स मस्ट नॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, ही डैश वीडियो गेम चूज द बेस्ट ऑप्शन। आपको ये नीचे में से जो है आपको चूज करना है, तो ही जो है तो यहाँ पर जो हो जाएगा इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग वीडियो गेम। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा आस्क रवि वेयर हिज फादर वाज चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। यहाँ आपको नरेशन बनाना है, तो यहाँ इसका नरेशन जो होगा वो होगा राधा सेड टू रवि वेयर वाज हिज फादर क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम डैश माई बेड। तो यहाँ पर जो होगा बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, आई एम मेकिंग माई बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वांट क्वेश्चन मार्क सी आस्क हिम चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। आपको यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, सी आस्क हिम व्हाट ही वांट, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, द डॉक्टर सजेस्ट डैट टेक ए वैक्सीन चूज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। तो यहाँ जो मीनिंगफुल एक्सप्रेशन होगा वो होगा द डॉक्टर सजेस्ट डैट द पेशेंट शुड टेक ए वैक्सीन। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको जो नीचे वाला में है चार ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से जो है आपको एक चूज करना है कि सही ऑप्शन कौन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन फर्स्ट है, सी इज द गर्ल हुज नेम इज रवि। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट है, आई बाउट दीज बुक्स डैट एक्यूशन, करेक्ट प्रीपोजिशन जुड़ना है। तो आई बाउट दिस बुक्स, तो यहाँ पर एट हो जाएगा,
तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है दे डैश हायर नेक्स्ट वीक, चूज द करेक्ट वर्ब। यहाँ आपको जो तो दे केम हो जाएगा, कम नहीं होगा, यहाँ पर केम हो जाएगा, तो इसलिए जो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है दैट स्ट्रेंज आउट किड्स डैट वॉचिंग टी वी सीरियल, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ होगा डैट्स स्ट्रेंज आवर किड्स डू नॉट वॉच टी वी सीरियल, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है मर्सा इज रीडिंग ए नोवेल, तो मर्सा इज रीडिंग द नोवेल है, यहाँ पर आपको पैसिव वॉयस बनाना है, तो इसका जो पैसिव होगा ए नोवेल वॉज रीड बाई मर्सा, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाट द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली डैश फॉर स्विमिंग, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ होगा व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली गो, यहाँ पर जो है आपको प्लुरल फॉर्म लगेगा गो, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डैश इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, तो यहाँ जो है आपको मीनिंगफुल एक्सप्रेशन चूज करना है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा हैज बीन लाइंग इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको जो है करेक्ट सेंटेंस को चुनना है, तो इस चारों ऑप्शन में से जो है आपको ऑप्शन फर्स्ट जो है सही है आई हैव ए होमवर्क टू डू, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ही केम विथ अस, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा विल ही कम विथ अस, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है हैव यू सीन डैश द ताजमहल, यहाँ जो हैज यू सीन, तो यहाँ जो है आपको बेस्ट आर्टिकल चुनना है, तो जो भी मतलब हिस्टोरिकल पैलेस होता है, जो भी मतलब दुनिया में एक है उसके पहले जो है हमेशा द लगता है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, यहाँ जो है यहाँ द होगा। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक डैश दिस पेंटिंग, चूज द प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन चुनना है, तो लुक एट दिस पेंटिंग, तो यहाँ पर जो हो जाएगा एट का प्रयोग होगा, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है लिसन राधा डैश द सितार, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो लिसन राधा इज प्लेइंग द सितार, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है आई डैश स्पीक स्पेनिश, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो आई के साथ जो है हमेशा डू नॉट लगता है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट डैट आर डैश, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा कैलुजियस, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यू मस्ट स्टार्ट नाउ विल यू मिस द बस, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। तो इसका जो करेक्ट कॉम्बिनेशन सेंटेंस बनेगा वह बनेगा Until you start now, we will miss the bus. तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है a lot of energy dash waste on finding the treasures. Choose the best option. तो इसमें जो होगा a lot of energy was wasted. यहाँ पर जो है verb का third form लगा हुआ है, इसलिए यहाँ was होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 31 से जो 50 है वह जो है आपको बुक से लिखा हुआ है, मतलब जो भी आप बुक पढ़े हैं, जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उससे रिलेटेड यह सब जो है क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर एज एंड एज विल वॉक वी मेक द प्लेट डैट सॉल डैश, तो यहाँ पर होगा ऑलवेज मार्च हेडेड, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है आइडिया डैट हैव हेल्प मैन काइंड इज रिटेन बाई डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यह जो है आइडिया हैव हेल्प मेकिंग इज रिटन बाय, तो यह जो बुक है वह बी रसेल लिखे हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश डैट हैव इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड डैट इज कॉल्ड, तो इसमें जो होगा सेकेंड लैंग्वेज, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमिनिटी ऑफ मैन, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्टर डी ला मार्क मेक अस वेयर ऑफ द डैश, चूज द सुटेबल ऑप्शन। तो इसका होगा लंडन लाइफ जो है वाल्टर डी मार्क जो मेयर अवेयर, उन्होंने जो लंडन लाइफ जिया था उसको उन्होंने नहीं भूला था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटर्न रसेल वाज एवॉर्डेड नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन विच ईयर, बेटर्न नोबल जो था उन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किस ईयर्स, तो उन्हें जो है नोबल पुरस्कार से 1950 ईस्वी में सम्मानित किया गया था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है
द वेस्ट लैंड हैज बीन कम्पोज बाई, द वेस्ट लैंड हैज बीन कम्पोज बाई, यह जो है टी एस एलोइट के द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है इंग्लिश यूज सिंस एडी 1500 इज कॉल्ड, 1500 मतलब ईस्वी से पहले जो इंग्लिश यूज करता किया जाता था उसको क्या बोला जाता, उसको जो है मिडिल इंग्लिश बोला जाता था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इज हिंदुस्तान्स डैट केप्ट इन लीव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम डैश, तो यह जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह जो सेंटेंस लिया गया है ऊपर से, यह जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से लिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है द लाइन एंड द नाइटेंगल इज डम इज टेकन फ्रॉम, यह जो लाइन है नाइटेंगल इज डम इज टेकन फ्रॉम, तो यह जो है ओडे टू एंटोम चैप्टर से लिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर फोर्थ फादर डिज नॉट इन्वेस्ट मैसेनिक बिकॉज डैश, तो यह जो है दे न्यू वी वुड बिकम सेब्स, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश द संस्कृत एंड पर्सियन, तो इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश यंगर देन संस्कृत एंड पर्सियन, इंग्लिश लैंग्वेज जो है यंगर है संस्कृत और पर्सियन लैंग्वेज से, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है जॉन डॉन इज द, तो यह जो डॉन जॉन डॉने जो थे एक जो थे मेटाफिजिकल थे, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सावित्री इज रिटेन बाय, सावित्री जो था वो रिटेन बाय किसके द्वारा लिखा जाता है, इसका जो है ऑरोबिंदो घोष के द्वारा लिखा गया था सावित्री, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है वाल्टर डी ला मारे वाज बॉर्न इन विच ईयर, वाल्टर डी ला मारे जो थे उनका जन्म कौन सा ईस्वी में हुआ था, तो इनका जन्म जो था 1873 ईस्वी में हुआ था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है सिवीज हॉवी वाज कलेक्टिव डैश, तो यह जो था ग्रॉड्स को वो चुनती थी, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकबेथ एंड जूलियस सीजर्स वाज रिटन बाय, तो मैकबेथ एंड जूलियस सीजर इज रिटन बाय जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट भोवेल शिप टुक पैलेस ड्यूरिंग डैश, द ग्रेट भोवेल शिप टुक पैलेस ड्यूरिंग, तो इसको जो है मिडिल इंग्लिश कहते थे, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन होपिंग टू कीजर नॉट टिल डेथ इज टेकन फॉर्म, तो यह जो लाइन है यह द सोल्जर चैप्टर से लिया गया है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है द लाइन इज हर्ट इन द पीस अंडर द इंग्लिश हेवन इज टेकन फॉर्म दैट, तो यह जो यह भी लाइन जो है यह द सोल्जर से लिया गया है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो यह जो था टॉप 15 इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि कल की एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।